एक जज अपनी पत्नी को क्यों दे रहे हैं तलाक। कल रात एक ऐसा वाकया हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी के कई पहलुओं को छू लिया। करीब 7 बजे होंगे, शाम को मोबाइल बजा, उठाया तो उधर से रोने की आवाज़ आई। मैंने शांत कराया और पूछा कि भाभी जी क्या हुआ, लेकिन उधर से केवल एक रटकी, आप आ जाइए। मैंने आश्वासन दिया कि कम से कम 1 घंटा पहुँचने में लगेगा। जैसे तैसे पूरी घबराहट में पहुंचा, देखा तो भाई साहब हमारे मित्र जो जज हैं सामने बैठे हुए हैं। भाभी जी रोना चीखना कर रही हैं, 12 साल का बेटा भी परेशान है, 9 साल की बेटी भी कुछ नहीं कह पा रही है। मैंने भाई साहब से पूछा कि आखिर बात क्या है, भाई साहब कोई जवाब नहीं दे रहे थे। फिर भाभी जी ने कहा, ये देखिए तलाक के पेपर एक कोर्ट से तैयार करा के लाए हैं, मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैंने पूछा ये कैसे हो सकता है, इतनी अच्छी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ सेटल्ड है। प्रथम दृष्टि में मुझे लगा ये मजाक है, लेकिन मैंने बच्चों से पूछा दादी किधर हैं। बच्चों ने बताया पापा ने उन्हें 3 दिन पहले नोएडा के वृद्धा आश्रम में शिफ्ट कर दिया है। मैंने घर के नौकरों से कहा मुझे और भाई साहब को चाय पिलाओ। कुछ देर में चाय आई, भाई साहब को बहुत कोशिशों की चाय पिलाने की, लेकिन उन्होंने नहीं पी और कुछ ही देर में वह एक मासूम बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे। बोले मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया, मैं अपनी 61 साल की माँ को कुछ लोगों के हवाले करके आया हूँ। पिछले साल से मेरे घर में उनके लिए इतनी मुसीबतें हो गई हैं कि पत्नी ने कसम खा ली है कि मैं माँ जी का ध्यान नहीं रख सकती। ना तो ये उनसे बात करती थी और ना ही मेरे बच्चे बात करते थे। रोज़ मेरे कोर्ट से आने के बाद माँ खूब रोती थी, नौकर तक भी अपनी मनमानी से व्यवहार करते थे। माँ ने 10 दिन पहले बोल दिया बेटा तू मुझे ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर दे। मैंने बहुत कोशिशें की पूरी फैमिली को समझाने की। जब मैं 2 साल का था तब पापा की मृत्यु हो गई थी, दूसरों के घरों में काम करके मुझे पढ़ाया, मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं जज हूँ। लोग बताते हैं माँ कभी दूसरों के घरों में काम करते वक्त भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। उस माँ को मैं ओल्ड एज होम में शिफ्ट करके आया हूँ। पिछले 3 दिनों से मैं अपनी माँ के एक एक दुख को याद करके तड़प रहा हूँ जो उसने केवल मेरे लिए उठाए। आज मुझे याद है जब मैं 10th की परीक्षा में अपीयर होने वाला था, माँ मेरे साथ रात रात भर बैठी रहती थी। एक बार माँ को बहुत फीवर हुआ, मैं तभी स्कूल से आया था, उसका शरीर गर्म था, तप रहा था। मैंने कहा माँ तुझे फीवर है, हंसते हुए बोली अभी खाना बना रही थी इसीलिए गर्म है। लोगों से उधार मांग कर मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB तक पढ़ाया, मुझे ट्यूशन तक नहीं पढ़ाने देती थी कि कहीं मेरा टाइम खराब ना हो जाए। कहते कहते रोने लगे और बोले जब ऐसी माँ के हम नहीं हो सके तो हम अपने बीबी और बच्चों के क्या होंगे, हम जिनके शरीर के टुकड़े हैं। आज हम उनको ऐसे लोगों के हवाले कर आए जो उनकी आदत, उनकी बीमारी, उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। जब मैं ऐसी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता तो मैं किसी और के लिए भला क्या कर सकता हूँ। आज़ादी अगर इतनी प्यारी है और माँ इतनी बोझ लग रही है तो मैं पूरी आज़ादी देना चाहता हूँ। जब मैं बिना माँ बाप के पल गया तो ये बच्चे भी पल जाएंगे, इसलिए मैं तलाक देना चाहता हूँ। सारी प्रॉपर्टी इन लोगों के हवाले करके उस ओल्ड एज होम में रहूँगा, कम से कम मैं अपनी माँ के साथ तो रह सकता हूँ। अगर इतना सब कुछ करके माँ आश्रम में रहने के लिए मजबूर है तो एक दिन मुझे भी आखिर जाना ही पड़ेगा। माँ के साथ रहते रहते आदत भी हो जाएगी, माँ की तरह तकलीफ तो नहीं होगी। जितना बोलते उससे ज़्यादा रो रहे थे। बातें करते करते रात के 12:30 हो गए। मैंने भाभी जी के चेहरे को देखा, उनके भाव भी प्रायश्चित और ग्लानी से भरे हुए थे। मैंने ड्राइवर से कहा अभी हम लोग नोएडा जाएंगे। भाभी जी और बच्चे हम सारे लोग नोएडा पहुंचे। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर गेट खुला, भाई साहब ने उस गेट कीपर के पैर पकड़ लिए, बोले मेरी माँ है, मैं उसको लेने आया हूँ। चौकीदार ने कहा क्या साहब,
भाई साहब ने कहा, मैं जज हूँ। उस चौकीदार ने कहा, जहाँ सारे सबूत सामने हैं तब तो आप अपनी माँ के साथ न्याय नहीं कर पाए, औरों के साथ क्या न्याय करते होंगे साहब। इतना कहकर हम लोगों को वहीं रोककर वह अंदर चला गया। अंदर से एक महिला आई जो वार्डन थी। उसने बड़े कातर शब्दों में कहा, 2 बजे रात को आप लोग ले जाके कहीं मार दें तो मैं अपने ईश्वर को क्या जवाब दूंगी। मैंने सिस्टर से कहा, आप विश्वास करिए, ये लोग बहुत बड़े पश्चाताप में हैं, जी रहे हैं। अंत में किसी तरह उनके कमरे में ले गई। कमरे में जो दृश्य था उसको कहने की स्थिति में मैं नहीं हूँ। केवल एक फ़ोटो जिसमें पूरी फैमिली है और वो भी माँ जी के बगल में, जैसे किसी बच्चे को सुला रखा है। मुझे देखी तो उनको लगा कि बात ना खुल जाए, लेकिन जब मैंने कहा हम लोग आपको लेने आए हैं तो पूरी फैमिली एक दूसरे को पकड़कर रोने लगी। आसपास के कमरों में और भी बुजुर्ग थे, सब लोग जाकर बाहर तक ही आ गए। उनकी भी आंखें नम थी। कुछ समय के बाद चलने की तैयारी हुई। पूरे आश्रम के लोग बाहर तक आए। किसी तरह हम लोग आश्रम के लोगों को छोड़ पाए। सब लोग इस आशा से देख रहे थे कि शायद उनको भी कोई लेने आए। रास्ते भर बच्चे और भाभी जी तो शांत रहे, लेकिन भाई साहब और माता जी एक दूसरे की भावनाओं को अपने पुराने रिश्ते पर बिठा रहे थे। घर आते आते करीब 3:45 हो गया। भाभी जी भी अपनी खुशी की चाबी कहाँ है ये समझ गई थी। मैं भी चल दिया, लेकिन रास्ते भर वो सारी बातें और दृश्य घूमते रहे। माँ केवल माँ है, उसको मारने से पहले ना मारें। माँ हमारी ताकत है, उसे बेसहारा ना होने दें। अगर वह कमज़ोर हो गई है तो हमारी संस्कृति की रीढ़ कमज़ोर हो जाएगी। बिना रीढ़ का समाज कैसा होता है किसी से छुपा नहीं है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।